चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी। ये लोग दिल्ली में कहते थे 370 जिम्मेदार है, कितने साल से 370। क्या आतंकवाद बंद हुआ? बंद हुआ क्यों? उनसे तो दिल्ली में राज करते हैं, क्या बंद हुआ? कौन मरे? एक बेगुनाह बीजेपी का सरपंच क्या उसको हक नहीं है जिंदा रहने? ये तो आजाद मुल्क है, इसमें तो हर कोई पार्टी उठ सकती, हर कोई अपने सलाम लोगों तक पहुंचा सकती। इसने मारा इसको, इसकी तहकीकात और इसकी तहकीकात जल्दी होनी चाहिए। नेता तूर्त आवाम के लिए क्या पहलगाम में किया, उसकी तहकीकात क्यों हुआ, कैसे हुआ और कौन जिम्मेवार है इसका? और अगर ये तहकीकात नहीं करते तो हमें इंटरनेशनल कमेटी को बुलाना चाहिए, उसकी तहकीकात करें। कौन जिम्मेदार? डॉक्टर साहब, और मैं अपने भरोसों से कहना चाहता हूँ पाकिस्तान, जब तक अमन नहीं आएगा, जब तक आतंकवाद बंद नहीं, आतंकवाद बंद करिए, फिर दोनों मुल्क इकट्ठे बैठ के मसले हल। डॉक्टर साहब, अमित शाह का अचानक दौरे को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, वो कहा का आना देखने का इंतजाम कैसे, क्या करेगा या नहीं करेगा ये पता है कि वो कुछ लोगों से मिला, मुझे नहीं मिला। तो बुलाया कैसे? आज के 1 बजे तक होटल में मीटिंग की, उनमें जो हमारे के खिलाफ खड़े हुए सर, उन्होंने कहा बुखारी साहब ने खासकर स्टेट में कहा है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए को सपोर्ट करने के लिए। मैं पहले इन लोगों के बारे में कभी नहीं, कौन बंदूक लाया, हम लाए, कौन लाया, किसने वो तंजीम खड़ी की, व्यापार से बंदूक लाया और हमारे गरीबों को, मिस्किनों को, हमारी पार्टी को शिकार किया? कौन थे, कौन था वो जो पाकिस्तान से पैसा आता था उसके पास और वो पाकिस्तान का पैसा यहाँ इन लोगों को बांटता था? कौन था? मैंने बार बार पार्लियामेंट के में कहा, कोई घरों में आज कोई लोग इनके दाएं बाएं खड़े हैं जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन आदमी को इन्होंने गले लगाया और जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी है उनको ये समझते हैं टेररिस्ट, ये पाकिस्तानी।